Good morning, my dear children. Welcome to LP Savani Riverside School. Myself, Deepika Sonawadia, your English teacher. Previous session में हम लोगों ने exercises complete की lesson number 4 की. Right, so today we'll be starting our lesson 5, the explanation of our poem. Right, so poem का name है, Don't Be Afraid of the Dark. पोयम का नेम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब अंधेरों से डरना मत, डरना नहीं है अंधेरों से. राइट, तो ये पोयम है हेलेन केलर, ये बुक है, उस बुक में से ये छोटी सी पोयम ली गई है हेलेन केलर के बुक में से. सो लेट अस स्टार्ट द पोयम. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से डरो मत. Don't be afraid of the dark, little one. Poet बोल रहा है कि हमें अंधेरों से डरना नहीं है बच्चे, तू अंधेरे से डर मत. The earth must rest when the day is done. धरती को भी सोना होता है क्योंकि धरती पूरे दिन काम करती है, मतलब पूरे दिन हम लोगों को उजाला देती है, मतलब ये डे होता है पूरे दिन उजाला रहता है, तो उसे भी थोड़ा आराम करने के लिए उसे रेस्ट की जरूरत है, तो इसके लिए अंधेरा होता है. द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर. सन हम लोगों पे हार्श होता है, राइट, हमें गर्मी लगती है, जलन होती है एकदम से, ज्यादा धूप गिरती है तो, पर मून लाइट कभी भी नहीं होता है. मून लाइट जब होती है तब हमें ठंडक लगती है, राइट, जैसे ही शाम होती है अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, राइट, ऐसा ये पोएट कह रहा है. And those stars will be shining forever and ever. और पूरी रात कैसे वो स्टार शाइन करते हैं, एकदम हमेशा के लिए वो शाइन करते रहेंगे, जैसे मून आता है वैसे स्टार्स भी स्काई में आते हैं. Be friends with the night. There is nothing to fear. बोल रहे हैं नाइट के साथ दोस्ती करो, डरने जैसा कुछ भी नहीं है उसमें, राइट, इसके लिए रात से दोस्ती करो. Just let your thoughts travel to friends far and near. जो भी सोचते हो तुम लोग रात को, जो भी तुम लोगों के thoughts है, वो यहाँ से वहाँ तुम लोगों के friends के पास, या फिर यहाँ से किसी अपने के पास यहाँ से वहाँ जाए, यानी अपनी feelings जो है वो सबके साथ share करो. By day it does seem that our troubles won't cease. मतलब ये बोल रहे हैं poet कि जिससे हम लोग, हमारी जो ट्रबल्स है वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि डर एक बार निकल जाएगा अपने मन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज एट पीस. पूरी रात को जब एकदम से रात होती है तो पूरी दुनिया क्या होती है, एकदम शांत हो जाती है, बिकॉज कोई काम नहीं करता है, कुछ नहीं, सभी आराम करते हैं, तो पूरा क्या हो जाता है वहां पे, शांत हो जाता है, राइट. ये पोयम लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. किसने? रस्किन बॉन्ड ने. अब इसके नीचे कुछ न्यू वर्ड्स है, स्पेलिंग्स है, सो लेट अस स्टार्ट द स्पेलिंग्स. फर्स्ट इज AFRAID, अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स डरना. DARK, डार्क. डार्क मीन्स अंधेरा. REST, रेस्ट. रेस्ट मीन्स आराम करना. HARSH, हार्श. हार्श मतलब एकदम सख्त, राइट. FOREVER, फॉर एवर मीन्स हमेशा. TROUBLES, ट्रबल्स. ट्रबल्स मतलब तकलीफे. देन CEASE, सीज. सीज का मतलब है रोकना या फिर वहीं पे थक के रुक जाना, राइट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सीज. अब एक बार फिर से हम लोग ये पोयम रीड करते हैं. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. सो लेट अस रीड द पोयम. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. बी फ्रेंड्स विद द नाइट. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease. But at night, late night, the world is at
पीस, राइट। पोयम लिखी है रस्किन बॉन्ड, राइट। अब ये पोयम एक्सप्लेनेशन और ये हार्ड वर्ड्स खत्म हो गए। अब इसी पोयम के अंदर मतलब इसी लेसन के अंदर एक छोटी सी और पोयम थी तो वो मैंने आज ले ली है। तो पोयम है डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मतलब हार नहीं मानना, राइट। जल्दी से हम लोग गिव अप कर देते हैं, मतलब कोई भी चीज हम लोग कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करने पर हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं, पर हम लोगों को कोशिश करते रहना है। सो डोंट गिव अप। सो लेट अस स्टार्ट द पोयम। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, पोएट बोल रहा है कि हमें, हम जब भी चलते रहते हैं और हम लोग स्टॉप नहीं होते कहीं पे भी, यू कैन कीप ऑन गोइंग। हम लोग रुक जाते हैं तो हम लोग हार जाते हैं, राइट। सो हम लोगों को हारना नहीं है, हमें चलते ही जाना है, मतलब हम लोगों को जो भी काम करना है वो करते ही रहना है। यू कैन मेक इट टू द टॉप। अगर हम लोग इसी तरह कोशिश करते रहेंगे और हमेशा, मतलब एट लास्ट हम लोग जीतेंगे, राइट, हम लोग हमेशा टॉप पे रहेंगे। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, मतलब एक हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह माउंटेन्स की तरह है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, राइट। कभी उतरना पड़ता है कभी चढ़ना पड़ता है, राइट। सो बट इफ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो आई एम श्योर है कि आप सभी पे से, मतलब अच्छे से निकल पाओगे, सभी जो भी है आपकी लाइफ में सब अच्छे से स्मूथली निकल जाएगा। सो कभी भी हार नहीं माननी है। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप। सो चलते ही रहना है, मतलब जो भी है तकलीफ है उससे स्टॉप नहीं करना है, मतलब चलते ही रहो ताकि अच्छे से तुम लोग स्मूथली आगे बढ़ो। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप। अगर इसी तरह चलते रहोगे तो फिर टाइम श्योरिटी है कि तुम एक दिन अपनी जो भी तुम लोगों की क्या बोलते हैं तुम इच्छाएं है ख्वाहिशें है वो पूरी होगी। बिकॉज तुम लोग उसी चीज पे लगे रहोगे तो एक ना एक दिन तुम लोग उस पर कामयाब हो जाओगे, राइट। सो यहाँ पे ये पोयम भी खत्म हुई, राइट। सो आप लोग ये न्यू वर्ड्स लिखोगे आपकी नोटबुक में 5 times और पोयम लिखोगे 1 time, राइट। ये दोनों पोयम लिखोगे, ओके। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बाय, टेक केयर।